हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका किचन क्वीन में। और आज हम बनाने वाले हैं छेना का रसगुल्ला। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रखा है दूध। ये काऊ मिल्क है। और आपको मार्केट में काऊ मिल्क नहीं मिलता है तो आप कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। और इसे हमें एक उबाल आने तक गर्म करना है। जब ये उबले, जब ये उबलने लगे तो इसमें हमें नींबू का रस डालना होगा। तो सबसे पहले इसे हम उबाल लेते हैं। ये देखिए, दूध हमारा गर्म हो चुका है और इसमें एक उबाल भी आ रहा है। तो गैस को हम स्लो कर देंगे। दो मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद इसे ऑफ कर देंगे गैस को। और उसके बाद इसमें हमें नींबू का रस डालना है। गैस को मैंने यहाँ ऑफ कर दिया है और इसमें हम डालेंगे अब नींबू का रस। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस। और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक चलाना है। और ये देखिए, हमारा पनीर अलग हो गया है। और इस छेने को हम अब साइड कर लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे एक बर्तन, और बर्तन में कोई भी कॉटन कपड़ा रखेंगे। और इसके बाद जो हमारे ये छेना निकला है इसमें डालेंगे हम। यहाँ पे मैंने पनीर को निकाल दिया है और इसे हम ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसका जो खट्टापन है, जो हमने नींबू डाला था, वो निकल जाए। ये थोड़ा भी गर्म है इसलिए हमें धीरे धीरे इसका पानी निकाल देना है। यहाँ पे ले रहे हैं हम एक थाली, और जो हमने इस पनीर को निकाला है इसका हम एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। और इसे हम इस तरह से मस लेंगे अपने हाथों से। ये हमें कम से कम 10 से 15 मिनट करना है, तब जाके हमारा ये छेना सॉफ्ट बनेगा रसगुल्ला बनाने के लायक। इस तरह से हमें इसे अपने हथेली से मसलना है इस तरह से। छेना का ये डो रेडी हो गया हमारा रसगुल्ला बनाने के लिए। और इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक मसला है। तो इसकी अब हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। हमें इस तरह से छोटा छोटा लोई बनाना है। इस तरह की एकदम सॉफ्ट, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रसगुल्ला फट जाएगा। इसी तरह की हम और भी बॉल्स बना लेंगे रसगुल्ला का। रसगुल्ला का बॉल हमने यहाँ रेडी कर लिया है और इसके लिए अब हम चाशनी बनाएंगे।
चाशनी के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन बैठाया है और इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, और जब तक ये गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसमें हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, चाशनी यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, और इसमें अब हम अपने रसगुल्ले डालेंगे। इसे हम एक थाली से ढक देंगे और 5 मिनट तक इसे हम बॉईल करेंगे, उसके बाद इसका ढक्कन हम हटाएंगे। 5 मिनट हमारा हो गया है और इसे हम हटा के देखते हैं। वाह, हमारा रसगुल्ला फूल चुका है, और इसे हमें अभी 5 मिनट और पकाना होगा ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे हमें साइड से इस तरह से चलाना है। अब इस प्लेट को हम हटा लेते हैं। ये देखिए हमारा रसगुल्ला पूरे फुल साइज में आ गया है, जितना बड़ा रहना चाहिए, और ये पक भी चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की रोज़ न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड होता है, लाल रंग का होता है वो। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।